जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी का जो पेपर हुआ है 10/12/2017 में, उसी क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हमको मिले हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं मिले हैं। तो जिन क्वेश्चन के आंसर मुझको नहीं मिले हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो उस क्वेश्चन के आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में जो चार मठ स्थापित किए गए हैं वह किसके द्वारा किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री कौन बने हैं। तो खेल मंत्री जो बने हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज कारखाना कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 खेल किस नगर में आयोजित हुए थे। 2017 में खेल किस नगर में आयोजित हुए थे इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरैना में 22 मंदिरों का समूह किस जगह पर है। मुरैना में 22 मंदिरों का समूह किस जगह पर है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा रोजगार गारंटी किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ। लोक सेवा रोजगार गारंटी किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 500 के नए नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं। तो 500 के नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कौन से जिले से संबंधित हैं। तो रानी दुर्गावती जबलपुर के जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन सी फ्लाइट से गई थी। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया फ्लाइट से गई थी अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की थी। दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की थी। तो दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होशंगाबाद कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमपी के मुख्य न्यायाधीश कौन थे हैं, एमपी के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो एमपी के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हेमंत गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा वितरण कानून में पहला राज्य कौन सा है। लोक सेवा वितरण कानून में पहला राज्य कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये भी बताना है कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। तो ये मान लीजिए आपका ये पेपर चला, जिन दोस्तों का पेपर कल की डेट में, तो उनके लिए क्वेश्चन काफी लाभकारी साबित होंगे। और क्वेश्चन आंसर दीजिए, आपको ये पता लग जाएगा इससे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एमपी में गोलामऊ कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है कि एमपी में गोलामऊ कहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आंध्र प्रदेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। तो एग्रोनॉमी कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एफपीएम कहाँ स्थित है। एसपीएम कहाँ स्थित है। तो एसपीएम होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोई जाती है। गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोई जाती है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत कौन से समूह का सदस्य नहीं है। भारत कौन से समूह का सदस्य नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मनरेगा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मनरेगा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एमपी में इनमें से कौन सी फसल नहीं है। एमपी में इनमें से कौन सी फसल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तरह किसानों को कितना प्रीमियम देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को कितना प्रीमियम देना आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बोलाधार किस नदी के किनारे स्थित है। बोलाधार किस नदी के किनारे स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।